Like old cut. Yo guys, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से ब्लैक मार्क गेमिंग में। आज हम नई सीरीज खेलने वाले माइनक्राफ्ट की। इस सीरीज का नाम है वन ब्लॉक वन ट्री। ट्री और एक डर्ट रहेगी। यहाँ पे देखो चारों ओर देखो, एक भी आइलैंड नहीं है। हमको इसमें सरवाइव करना है, तो हमको इसी पेड़ से काम चलाना है और हमको ड्रैगन को मारना है। हमको एंड पोर्टल भी खुद बनाना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें करेंगे हम इसमें। मैं फर्स्ट पर्सन में आ गया हूँ, तो मैं पहले यहाँ से ये तोड़ देता हूँ। यहाँ से मैं सेफलिंग ले लेता हूँ। पहले देखते हैं यहाँ से हमको सैपलिंग मिलती है तो। सैपलिंग नहीं मिली तो इसको तोड़ते हैं, ओक को तोड़ते हैं। ये नीचे तोड़ो, ये तोड़ दिया। तो अब इनके प्लैंक्स बनाते हैं और एक क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। ये क्राफ्टिंग टेबल बन गई। इस क्राफ्टिंग टेबल को अब मैं रख देता हूँ यहाँ पे नीचे रख देता हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ और इसको तोड़ता हूँ। मेरा एक ब्लॉक नीचे गिर गया। मैं इनके प्लैंक्स बनाता हूँ क्राफ्टिंग टेबल से। मैं इनके, अरे यार ये गलत जगह पे लग गया, वापस से लग गया। मैं बैठा हूँ इसलिए। मैं इस क्राफ्टिंग टेबल को ओपन करते हैं और इनसे प्लैंक्स बनाते हैं। प्लैंक्स बन गए। चलो अब इस वर्ल्ड को बड़ा करते हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं ये। तो वो एक नीचे लग गया तो उसको रहने देते हैं। और हमको एक सेपलिंग मिली है, इस सेपलिंग को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और इस ब्लॉक को भी, ब्लॉक को तोड़ो यहाँ से। इस सेपलिंग का बड़ा होने का मैं इंतज़ार करता हूँ। देखते हैं कब बड़ी होगी ये। कब बड़ी होगी, जल्दी हो जा। तो ये पेड़ बड़ा हो गया है। इस पेड़ को काट लेता हूँ मैं। काटो इस पेड़ को। फिर इस आइलैंड को बड़ा करते हैं। मैंने काट लिया इनके। अब प्लैंक्स बना लेता हूँ। प्लैंक्स बन गए इनके। ये स्लैब 42 स्लैब हो गए हमारे पास। तो इनको लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे लगा देता हूँ। इस आइलैंड को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। ये बड़ा, इतना बड़ा तो कर दिया। अब यहाँ से भी कर देता हूँ इसको बड़ा।
इसे भी बड़ा कर दो, इसको तोड़ बीच में। यार मेरे को एक सेपलिंग मिल गई, इसको लगा दो यहाँ पे कि हमारी सेपलिंग नीचे ना गिर जाए। तो ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे, ये सेपलिंग लगा देता हूँ। देखते हैं सेपलिंग कब आएगी। सेपलिंग देखते हैं इस पेड़ को बड़ा होने देते हैं, कब होएगा ये पेड़ बड़ा। मैंने पूरी तोड़ दी है यहाँ से, देखो इसको बड़ा होने का इंतजार करते हैं। देखो ये पेड़ बड़ा हो गया, इस पेड़ को भी काट लेता हूँ मैं। इस पेड़ को भी काट लो, काट लो इस पेड़ को। फिर हम वहाँ पे स्पॉनर बनाते हैं। इस वर्ल्ड में डट इम्पोर्टेंट है, डट को बनाने के लिए हमको 4 बोन व्हील लगती है। बोन व्हील मिलती है बोन से, तो स्केलेटन को मारने से बोन मिलती है। तो हम एक स्पॉनर बनाएंगे और उसमें स्केलेटन स्पॉन होएंगे, तो हमको बोन मिलेगी। फिर बोन से बोन व्हील, फिर 4 डट से एक कोबलस्टोन बनता है। इतना मुश्किल है इसमें। पहले मैं इसको तोड़ लेता हूँ, मेरे को मिल गई। अब इनके बना लेता हूँ प्लैंक्स, बहुत सारे प्लैंक्स बन जाएंगे इनके। अब इनके स्लेब भी बना लेता हूँ, फिर मैं बनाता हूँ। पहले इस आइलैंड को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। हमारे पास बहुत सारे स्लेब आ गए हैं, मैंने इतना बड़ा कर दिया। तो इस साइड बनेगा हमारा स्पॉनर, तो मैं इस साइड जल्दी जल्दी करता हूँ। इसको कर लेते हैं यहाँ इस साइड। बहुत दूर ले जाएंगे इसको, थोड़े और दूर ले जाते हैं इसको। और दूर वहाँ पे देखो एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया। ये ज़ॉम्बी गिरा देंगे, ज़ॉम्बी भाग यहाँ से, भाग भाग भाग, निकल निकल यहाँ से ज़ॉम्बी। अरे ये तो मरता ही नहीं है, कितनी जान है इसमें। मर गया ज़ॉम्बी, उस ज़ॉम्बी को मार दिया मैंने। वहाँ पे स्पॉन हो गए थे ज़ॉम्बी, तो मैं आगे चलता हूँ। थोड़ा और आगे ले जाते हैं, इतनी आगे ठीक होगा। तो यहाँ पे एक स्लेप ऊपर, यहाँ से 1, 2, 3, 4 ये 5 यहाँ पे लगा दी, और 5 यहाँ पे लगा देते हैं। ये यहाँ पे लग गई। अब इसको मैं, अरे ये गलत लगता है, गलत लगे बिना तो ये रहता ही नहीं है। इसको भी ले जाता हूँ, 5, 3, 4, 5 यहाँ पे बड़ा हो गया है। ये इसको बड़ा कर देते हैं, और बड़ा करते हैं इसको, और बड़ा कर देते हैं। फिर यहाँ पे इसके लिए जाने
मैंने यहाँ पे इतना बड़ा एरिया बना दिया है, तो यहाँ पे अब रात के टाइम स्पॉन होएंगे ज़ोंबी। यहाँ पे एक ज़ोंबी था, वो डी स्पॉन हो गया होगा। मैं यहाँ पे पहले एक सेफलिंग लगा देता हूँ, और वहाँ पे ऊपर एक पेड़ है, क्या एक ओक है, तो उस ओक को ले लेता हूँ मैं। ये ओक है, ऊपर एक इतना बड़ा पेड़ है यहाँ पे, तो इसको तोड़ देते हैं पत्तियों को, इससे हमको सेफली मिलेगी। ये नीचे उतरो, नीचे उतरो, इनको ले लिया सेफलिंग। अब हम एक चेस्ट बना लेते हैं पहले, चेस्ट चेस्ट के लिए हमारे पास लकड़ियां ही नहीं है। मैं एक तलवार बना लेता हूँ, तलवार बन गई। एक चेस्ट के लिए हमको वुड चाहिए, तो वुड हमारे पास नहीं है। मैं इनको लगा देता हूँ, इनको लगा देता हूँ मैं स्लैब को। ये 14 स्लैब बचे हुए थे हमारे पास, तो इनको लगा देता हूँ यहाँ पे। वो पेड़ बड़ा होता है, मैंने ये लगा दिए हैं। अरे वाह, एक पेड़ भी बड़ा हो गया है। चलो इस पेड़ को भी काट लेते हैं पहले, और फिर एक चेस्ट बना लेते हैं। उस चेस्ट में हमारा सामान रखेंगे हम। चलो एक चेस्ट भी बना लेते हैं हम। यहाँ पे इतनी सी वुड थी, तो इनके लेंस बनाता हूँ, और एक चेस्ट बन गई। इस चेस्ट को यहाँ पे लगाऊंगा मैं, यहाँ पे लग गए चेस्ट। इसमें मैं ये रख देता हूँ सेपलिंग, और ये भी रख देता हूँ। इस सेपलिंग वहाँ पे पड़ी है, उस सेपलिंग को ले लेता हूँ, और यहाँ पे लगा देता हूँ, और इन पत्तियों को तोड़ देता हूँ। पेड़ बड़ा होएगा, रात होने का इंतजार करते हैं। वहाँ पे स्केलेटन स्पॉन होंगे, तो हमको वो नहीं मिलेंगे। एरिया को मैं बड़ा कर देता हूँ, बहुत छोटा एरिया है। ये स्लेब बनाता हूँ, और एरिया को बड़ा कर देता हूँ मैं। वो पेड़ उग रहा है, जब तक मैं इस एरिया को बड़ा कर देता हूँ। अरे ये गलत जगह पे लग गया, ये नीचे गिर गई, वापस से गलत जगह पे लग गया। यहाँ पे सही जगह, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये लगा दिया है मैंने, रात कब होगी। ये पेड़ भी उगने का नाम नहीं ले रहा, उग जाना जल्दी से, पेड़ को जल्दी जल्दी उगने देते हैं। अरे यहाँ पे वुड पड़ी है, इस वुड को ले लेते हैं। यहाँ पे तो वुड बहुत सारी है, यहाँ पे इसको भी ले लेते हैं। यहाँ पे ऊपर भी वुड है, तो
इन पत्तियों को तोड़ देता हूँ। मेरे को एक एप्पल भी मिल गया, देखो ये रहा एप्पल भी मिल गया है। अरे यहाँ पे इसकी स्टिक भी है। अब इनके भी बना लेते हैं प्लैंक्स और स्लेब बना के इस एरिया को और भी बड़ा कर देते हैं। इस एरिया को बहुत बड़ा कर देता हूँ मैं, बहुत बड़ा करेंगे इस एरिया को। रात भी नहीं हो रही है, यहाँ पे एक सैपलिंग गिरी है, इस सैपलिंग को चेस्ट में रख देता हूँ और इस एप्पल को भी। ये रात होने वाली है, सूरज ढल रहा है। अब रात होते ही यहाँ पे मॉब स्पॉन होने लग जाएंगे। तो मैंने अपनी तलवार हाथ में रख ली है। इस सूरज को पूरा ढलने देते हैं, कब तक ढले गए देखो, वहाँ से चांद निकल रहा है। रात हो गई, रात हो गई है। तो वहाँ पे देखते हैं कौन स्पॉन होता है। ये सूरज अभी ढला नहीं है पूरा, तो इसको पूरा ढलने देते हैं सूरज को। एक और सैपलिंग और यहाँ पे भी सैपलिंग। इस सैपलिंग को चेस्ट में यहाँ से हम गिर सकते हैं इसलिए। अब तो पूरी रात हो गई है, तो देखते हैं वहाँ पे कौन स्पॉन होता है। क्रीपर तो ना हो तो अच्छा हो, स्केलेटन हो जाए, बहुत सारे स्केलेटन स्पॉन हो जाए तो मज़ा आ जाएगा हमको। देखते हैं को तो वहाँ पे तीन तीन ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए हैं। चलो उन ज़ॉम्बी को मार के आते हैं। एक के पास तो तलवार है आयरन की, चलो आ जाओ। अरे ये तो पूरे नीचे गिर गए, मैंने पूरे ज़ॉम्बी को नीचे गिरा दिया। तो वहाँ पे और कोई स्पॉन होते हैं क्या, देखते हैं। देखो वहाँ पे एक स्केलेटन स्पॉन हो गया, तो चलो जल्दी से उस स्केलेटन को मारते हैं। अरे नीचे गिर गया वो स्केलेटन, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, एक ही स्केलेटन नहीं मर रहा। वहाँ पे एक और स्केलेटन स्पॉन हो गया है, चलो इसको भी मारते हैं। अरे यार इसने मेरे को नीचे गिरा दिया, मैं एक वापस से एक तलवार बनाता हूँ। अरे हमारे पास तो बुड्ढी नहीं है, तो मैं उसको हाथों से मार के आ जाता हूँ। जल्दी भागो इधर आ इधर आ। अरे मार दिया मेरे को, चलो वापस से उसको मारने चलते हैं। अरे गिरा दिया मेरे को, एक तो वो मैं उसको नीचे गिराना नहीं चाहता इसलिए मैं उसको फटाफट नहीं मार रहा हूँ, मैं उसको मार देता। ये नीचे गिरेगा, मैं गिरेगा नीचे, नीचे गिर गया और कुछ देखे भी नहीं गया। चलो वापस से स्पॉन होने का वेट करते हैं कि कोई स्पॉन होता है क्या। तो मैं सबसे पहले है ना इस पेड़ को बड़ा होने देता हूँ और उस आइलैंड को फिर हम बड़ा करेंगे। देखो ये पेड़ बड़ा हो गया, इस पेड़ को काट लेते हैं। इस पेड़ को मैं काट लेता हूँ, हमको अभी एक भी बोनवील नहीं मिली है। पेड़ को काट लो, काट लिया। अब इनके प्लैंक्स बना लेता हूँ, बहुत सारे प्लैंक्स।
लेंस बन गए, इनके अब स्लैब बनाता हूँ और एक सेपलिंग यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ये लग गई एक सेपलिंग और इनको मैं रख देता हूँ और अब लगा देते हैं हम यहाँ पे, लगा देते हैं ये स्लैब जल्दी जल्दी। मैंने इस एरिया को इतना बड़ा कर दिया है। अरे वहाँ पे क्रीपर स्पॉन हो गया है हमारे आइलैंड पे। इस क्रीपर को आने दो मेरे पीछे पीछे, इसको गिराऊंगा मैं यहाँ से। आजा पीछे पीछे आ मेरे। अरे गिरा दिया मेरे को, मैं खुद नीचे गिर गया और मेरे को भी गिरा के चला गया। यहाँ से ये टूट गया एरिया। ये पेड़ भी बड़ा हो गया, इस पेड़ को भी तोड़ लेता हूँ। हमको एक भी स्केलेटन का बोन नहीं मिला है। यहाँ पे देखो आजू बाजू में और पड़ी है ये वुड। पहले इस वुड को ले लेता हूँ, इनसे प्लैंक्स बनाएंगे, फिर इनसे बनाएंगे स्लैब। स्लैब को वहाँ पे लगा के आता हूँ मैं, यहाँ पे स्लैब को लगा देता हूँ। अब बाकी स्लैब को यहाँ पे लगा देता हूँ। चलो अब एक तलवार भी बना लेते हैं। तलवार बनाते हैं इससे पहले यहाँ पे एक शेप में लगाता हूँ, फिर एक तलवार बना लेते हैं। तलवार बन गई तो अब इनको रख देते हैं संभाल के। अब रात होने का इंतज़ार करते हैं। रात हो गई है और सामने स्केलेटन रिस्पॉन हुआ है। चलो स्केलेटन को मार के आ जाते हैं जल्दी से। हमको दो बोन मिल गई है और हमारे आइलैंड पे क्रीपर भी है। इस क्रीपर को भी फेंकेंगे हम। मैंने उस क्रीपर को मार दिया तो हमको दो बोन मिली है, तो इनसे मैं बोन व्हील बना लेता हूँ। 6 बोन व्हील बन गई, 6 बोन व्हील से एक डार्ट बन गई। तो मैं इस डार्ट को लगाता हूँ
यहाँ पे नहीं, स्टार्ट को मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ स्टार्ट को। ये यहाँ पे डार्ट लगाई और सेपलिंग लगा देता हूँ। अब मैं ये लगा यहाँ पे एक सेपलिंग और यहाँ पे एक सेपलिंग, तो सेपलिंग लगा दी। अब इनको रखता हूँ मैं और वहाँ पे एक और स्केलेटन स्पॉन हुआ है, उसको मारने चलता हूँ। इससे भी मेरे को दो बोन मिल गई और अब सुबह भी होने वाली है, मेरे को दो बोन मिल गई है, इनसे मैं बोन मील बना लेता हूँ। इनसे छह बोन मील बन गई, तो एक और डट बन गई हमारे पास। हमारे पास एक और डट हो गई। अब इस डट को मैं लगाता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ इस डट को मैं, यहाँ पे लगाई और इस पे भी मैं लगा देता हूँ सेपलिंग। यहाँ पे लगा दी सेपलिंग, तो हमारा सारा काम पूरा हो गया गाइस। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हम इसका पार्ट टू भी लाएंगे जल्द ही। आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे ही पार्ट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले गेमिंग की वीडियो में। गुड बाय।